उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजधानी देहरादून के हालात बद से बदतर दिखाई पड़ रहे हैं। राजधानी दून की किसी भी सड़क को अगर देख लिया जाए तो हर जगहों पर ट्रैफिक जाम का नज़ारा ही आपको देखने को मिलेगा। हालात यह है कि घंटों तक सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर एसपी कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक सड़कों पर वाहन पार्क करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस मामले में जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वाहन ज्यादा है, इस कारण से सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं, जिसके कारण से सड़कों पर जाम लगना लाजमी है। अब देखने वाली बात यह है कि जब खुद ही जिलाधिकारी कार्यालय के आगे गाड़ियां सड़कों पर लगी हुई है तो आम शहर की हालात और व्यवस्था क्या होगी, आप खुद समझ सकते हैं। लोग इससे कैसे निजात पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये एरिया जो है काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, जुडिशरी भी है, पुलिस भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्ट्रेट भी है, तो इस वजह से यहाँ पे जाम की स्थिति बनी रहती है। और काफ़ी छोटी सड़क है और पार्किंग की यहाँ कोई व्यवस्था ऐसा सच है नहीं, इसके कारण यहाँ पार्किंग यहाँ कंजेशन की का इशू बना रहता है।